जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। घूम लिया जाए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग राज्यपाल महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन भी दे रहे हैं और जल्द से जल्द भी करेंगे। जबकि इसके पहले बराबर ये देखा गया है कि न्यायालय के अंदर किसी भी पुलिस वाले को शस्त्र लेकर जाने की अनुमति नहीं होती है, उसका भी उल्लंघन करते हुए जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद ने जो कृत्य किया है वो इतिहास के लिए साक्षी रहेगा, क्योंकि उन्हें अपने न्याय कक्ष में पुलिस बुलाकर सम्मानित अधिवक्ताओं को के ऊपर, 73 अधिवक्ताओं के ऊपर जो उन्होंने लाठीचार्ज करवाया वो अत्यंत निंदनीय है। एक न्यायिक अधिकारी की उन्होंने गरिमा खोई है। निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि उनके अंदर न्यायिक अधिकारी के कोई गुण नहीं है, क्योंकि बार और बेंच दोनों एक सामंजस्य से चलता है और जिला जज गाजियाबाद ने जो कृत्य किया वो अत्यंत शर्मनाक है और अधिवक्ता समाज इसकी घोर निंदा करता है, उनके इस कृत्य की घोर निंदा करता है और माननीय उच्च न्यायालय से मांग करता है कि उनको अतिशीघ्र सेवा से बर्खास्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। गाजियाबाद में जो पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग राज्यपाल महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन भी दे रहे हैं और जल्द से जल्द जिला जज गाजियाबाद का जो न्यायालय था मुकदमे के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी न्यायिक अधिकारी ने अपने न्याय कक्ष में पुलिस बुलाकर बर्बरतापूर्वक अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करवाया। जबकि इसके पहले बराबर ये देखा गया है कि
न्यायालय के अंदर किसी भी पुलिस वाले को शस्त्र लेकर जाने की अनुमति नहीं होती है, उसका भी उल्लंघन करते हुए जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद ने जो कृत्य किया है वो इतिहास के लिए साक्षी रहेगा, क्योंकि उन्हें अपने न्याय कक्ष में पुलिस बुलाकर सम्मानित अधिवक्ताओं को के ऊपर, निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर जो उन्होंने लाठीचार्ज करवाया वो अत्यंत निंदनीय है। एक न्यायिक अधिकारी की उन्होंने गरिमा खोई है। निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि उनके अंदर न्यायिक अधिकारी के कोई गुण नहीं है, क्योंकि बार और बेंच दोनों एक सामंजस्य से चलता है, और जिला जज गाजियाबाद ने जो कृत्य किया वो अत्यंत शर्मनाक है, और अधिवक्ता समाज इसकी घोर निंदा करता है, उनके इस कृत्य की घोर निंदा करता है, और माननीय उच्च न्यायालय से मांग करता है कि उनको अतिशीघ्र सेवा से बर्खास्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। मुझे पीछे बैठ ले रहा मामा, पूरा वही तो कहता हमारे बीच वरिष्ठ नेता संतोष जसवाल जी मौजूद है, मैं चाहता हूँ आए और उनको सत्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जनता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जनता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, बड़े दुख का विषय है, एक नए अधिकारी बार और बेंच का संबंध बहुत ही गर्मी होता है, एक दूसरे के साथ तो पहले के समान है, लेकिन एक नए अधिकारी ने अपने कक्ष में पुलिस बुलाकर हमारे सम्मानित नेताओं को लाठीचार्ज किया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। साथियों, ये लड़ाई हम लोगों को बार बार करनी है, अगर इस तरह से प्रवर्तनपूर्ण कार्रवाई होती रही तो हम अपना कार्य न्यायिक रूप से सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम लोगों को संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ना है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।